हेलो, वेलकम टू कंपटीशन हब। आज हम बात करने वाले हैं CPU SI के एग्ज़ाम के बारे में। उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बच्चों में डाउट है, क्वेरी है उसके बारे में, क्योंकि SSC की ऑफिशियली वेबसाइट पे एक नोटिस आया है, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया करना चाहें तो कर सकते हैं, और हमारे कॉम्पिटिशन हब के पेज को Competition HU लिख के लाइक या फॉलो कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और यहाँ पर आपको डेली GK की इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्वेश्चन जो मिलते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ वेस्ट रीजन की वेबसाइट पे SSC ने पर्टिकुलर आप देखेंगे तो मतलब एक प्रोविजनली एक्सेप्टेड रिजेक्टेड कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, इसका एक लिंक डाल दिया है, जिसमें आप अपने पर्टिकुलर फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव हुआ है। ये किसने डाली है? नॉर्थ वेस्ट रीजन ने। SSC की ऑफिशियली वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, केवल और केवल यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो दिख रहा है आर यू नो योर रजिस्ट्रेशन ID रोल नंबर, आपको इस पे यस क्लिक करना है। जैसे ही यस क्लिक करोगे सर्च स्टेटस का ऑप्शन की जगह गह पे ये दो चीज़ें आ जाएंगी, रजिस्ट्रेशन ID या रोल नंबर डालना है। तो रोल नंबर तभी आपको अपना पता नहीं है, रजिस्ट्रेशन ID आप डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद आपका सर्च स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो स्टेटस आपका शो कर जाएगा कि आपका वो अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम ऐसे होते हैं जिनका रिजेक्ट होता है, लेकिन सभी का अप्रूव हो जाता है। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन की वेबसाइट पर आया। मैं आपको उससे पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये जो फॉर्म फिल होते हैं उसमें आप रीज़न सेलेक्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है NR रीज़न ये देगा या नहीं देगा, ये डिपेंड करता है आपके रीज़न के ऊपर कि CR रीज़न और NR रीज़न सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इन दोनों ने स्टेटस इसका नहीं दिया है, मतलब काफ़ी बार नहीं देते हैं वो लोग, और बाकी के रीज़न वाइज देते हैं। तो इस चीज़ को आप मतलब बेफिक्र होके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए कि NR रीज़न का आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया था, उन्होंने पूछा था कि NR रीज़न के बारे में। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि NR रीज़न हो या कोई सा भी रीज़न हो, जो फॉर्म भरने का ये जो काम है, जो प्रोविजनली फॉर्म एक्सेप्ट आपका हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, ये रीज़न वाइज काम होता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि वो आपका पर्टिकुलर कोई रीज़न देता है या नहीं देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि SSC ने इतनी कार्रवाई की है तो अब आप एक उम्मीद लगा सकते हैं CPU SI के एग्ज़ाम की डेट की। तो वो CPU SI का एग्ज़ाम जहाँ तक है अब आपका अगस्त में होने की एक संभावना बन सकती है, अगस्त के महीने में CPU SI का एग्ज़ाम हो सकता है, ये एक संभावना है। मैं आपको एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगा, कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आप लोग अपनी पढ़ाई में जुट जाइएगा, क्योंकि स्टेटस जैसी अभी इसने वेब पर्टिकुलर रीज़न वाइज वेबसाइट ने मांगा है, तो SSC हो सकता है कुछ दिनों में ऑफिशियली वेबसाइट वाइज कोई अपडेट डाल दे। तो अगस्त के महीने में एक उम्मीद है कि जहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार, ये एक उम्मीद है। तो बिल्कुल कमर तोड़ के पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग CPU SI के, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किया था, जो एग्ज़ाम जून में होना था पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न की वजह से, जो SSC ने दिया था। अब पीछे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न है उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हमारा काम है अपडेट देना, वो हमने आपको दिए, जो भी फीडबैक देना चाहें आप दे सकते हैं।